सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें हम। ऐसा क्या हुआ कि कब्र से निकालनी पड़ी लाश? मामला है टोंक का, जहां जिस शख्स को मुस्लिम समझकर, लावारिस समझकर कब्र में दफना दिया गया था, उसकी पहचान सोशल मीडिया पर हुई और परिवारजनों ने पुलिस से गुहार लगाई कि उनके अपने का शव उन्हें वापस लौटाया जाए। जिस शव को कब्र में मुस्लिम समझकर दफना दिया गया है वह उनका अपना है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जिस शख्स के शव को टोंक के पटेल सर्किट के पास एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया था, टोंक पुलिस, मेडिकल टीम और कब्रिस्तान कमेटी के लोग पहुंचे उसके लाश को कब्र से निकालने। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी लेकिन पुलिस ने किसी को भी आसपास नहीं फटकने दिया। इससे पहले पुलिस के पास सुबह शिकायत मिली थी कि 12 तारीख को जिस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया था उसकी मौत हो गई थी। उसकी पहचान पुरानी टोंक के एक व्यक्ति के रूप में परिजनों ने कर ली है और अब वो चाहते हैं कि उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि वह हिंदू है, हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार करना जरूरी है। कब्रिस्तान कमेटी और उससे जुड़े लोगों को बुलाया गया। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? 12 तारीख को एक शराबी व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुआ था जिसकी 13 तारीख को डेथ हो गई थी, और चूंकि अनआइडेंटिफाइड था वो डेड बॉडी, उसको दो दिन तक उसके साये करवाया अखबारों में और उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया, लेकिन वो आइडेंटिफिकेशन उसकी नहीं होने के कारण उसको दोनों पक्षों में दिखाया तो उसको मुसलमान होना मान के और उसको दफना दिया गया था। चूंकि अब इनके परिजन आ गए और ये बोल रहे हैं ये महावीर नाम का था और इसकी शिनाख्त कर रहे हैं इसके परिवार वाले और हिंदू रीति रिवाज से अपना क्रिमेशन करना चाहते हैं, तो इसलिए एसडीएम साहब से शव को वापस उत्खनन करवा के और इनको दिया जा रहा है और ये अपना अंतिम संस्कार करेंगे। मेरा अहमद है जी जी, और कल हमें एक अज्ञात लाश का पता चला था तो हमने उसको जो है इस्लामी रीति रिवाज से दफन कर दिया था, और मैंने टीवी पे कल भी बता दिया था, अखबार से या किसी व्हाट्सएप से किसी चीज़ से जब उन्हें पता लगा तो पता चला कि वो गैर मुस्लिम है, तो गैर मुस्लिम के परिजन आ गए और आने के बाद कहने लगे भाई हमें ये चाहिए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, प्रशासन के साथ में आए हैं और वो उसको ले जाना चाहे तो ले जावे और अगर रखना चाहते हैं भी तो हमें कोई एतराज नहीं है। कितने दिन यहाँ शव पड़ा रहा उसके बाद बुलाया? 3 दिन तक पड़ा रहा सब, 3 दिन के बाद में पता चला है। हाँ, 13 तारीख को जो है एडमिट किया था, डॉक्टरों का कहना है 13 तारीख को एडमिट किया और कल हमें पता चला, हमने तुरंत जो है हमारे तरीके से इस्लाम धर्म से जो है उसको दफना दिया। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.